पहले इसके डीकंप्रेसर के फिटमेंट के तरीके को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक इस प्रकार से यूनिट में मिलेगा, तो ये जो इसका पॉइंट है ये बाहर के ओर रहेगा और यहाँ पे इस वाले खांचे में इसे हम फिक्स कर देंगे, बैठा देंगे। ये देखिए इस डॉट में इस यूनिट को मैंने फिट कर दिया, ये मेरा बाहर है। अब इस जो खाली वाले जगह पे एक और इसका यूनिट जो है इसे लगाएंगे और इस पिन का डायरेक्शन इस ओर नहीं रखेंगे, वरना फिर स्प्रिंग लगने में परेशानी होगी। इसका डायरेक्शन हम उपरेले सेफ में रखेंगे यहाँ पे। इसका काम कंप्लीट। आप डीकंप्रेसर के स्प्रिंग को फिटिंग करेंगे, तो ये इसका डीकंप्रेसर है और इसके अंदर स्प्रिंग की फिटमेंट करने के लिए हम इसके अंदर इस प्रकार से स्प्रिंग लगाएंगे और स्प्रिंग लगाने के बाद इस हॉल में, यहाँ इस हॉल में इसका लॉक फंस जाएगा। ये देखिए लॉक फंस गया। अब डायरेक्टली इसके इस स्प्रिंग के इस हॉल को यहाँ पे लगा देना है। ऐसे पहले किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि ऑटो डिकम्प्रेसर को कैसे फिट किया जाता है, तो आज आप देख लें। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये फिट हो गया। अब इसका जो डायरेक्शन मैंने इस साइड रखा है इसे ऊपर यहाँ पे कर देंगे। ऑटो डिकम्प्रेसर परफेक्ट तरीके से फिटिंग हो गया है। अब इसके ऊपर एक वॉशर जाएगा और इसकी बैरिंग जो मैंने ओपन किया था इस सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ओपन किया था वैसे ही फिटिंग कर देना है। तो आपने देखा अभी ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था, रिटर्न नहीं आ रहा था। फिटिंग के बाद अब ये रिटर्न आना शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि मेन इसका साउंड जो उत्पन्न कर रहा था हमारी गाड़ी वो सही होता है या नहीं। तो चलिए इसे हम फिटिंग करते हैं।